चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हेलो 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 हेलो, अरे भाई हेलो। हाँ जी हेलो। ओ यार हेलो, चुप है। हेलो के आगे भी कुछ बोल। अरे मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, सिद्दीकी के अलावा कुछ बोल। अरे मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ, खूबसूरत से बात कराओ। तू भी क्या याद करेगा, चल फिर कर बात। हेलो। हाँ हाँ बात करूँ। अरे मुझे खूबसूरत से बात करनी है। हाँ तो मैं खूबसूरत हूँ, कर बात। अरे भाई मैं खूबसूरत का पापा बोल रहा हूँ, मेरी खूबसूरत से बात कराएं। ना मैं क्यों कराऊं है, मैं तेरे अब्बे की नौकर हूँ, जो बात कराऊं उससे, खुद कर फोन उसको। अरे भाई उसका फोन नहीं मिल रहा। ओ यहीं कहीं पड़ा होगा, उसको बोल ढूंढ ले। अरे उसका नंबर नहीं मिल रहा है। तो तुझे अपनी बेटी का नंबर भी याद नहीं है? क्या हो गया? अरे मेरी माँ, उसको सिर्फ इतना बता देना कि उसका कजन आ रहा है पेरिस से। तेरी माँ का? अरे नहीं, खूबसूरत का। ना तो किसको बताना है कि किसका कजन आ रहा है? हाय, ये इसको क्या हो गया? शमीम, शमीम। शमीम। अरे क्या हुआ है मोमो, चिल्ला क्यों रही हो? वो उसका फोन आया था, वो कह रहा था कि मेरा वो आ रहा है। हाँ जी। अरे किसका फोन आया था? ना वो तो मैं भूल गई। अरे यार जब भूल ही गई हो तो फिर मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए कि मेरा कजन आ रहा है ना अमेरिका से। तुम्हारा कजन और अमेरिका से? हाँ जी। अरे तुम्हारा कोई कजन अमेरिका कैसे जा सकता है मोमो? हाँ जी अमेरिका जा नहीं सकता, इसीलिए तो अमेरिके से आ रहा है। आहो। अरे मोमो तुम्हारा तो दूर दूर तक कोई रिश्तेदार पंजाब से आगे नहीं गया, ये फिर अमेरिका से कौन आ रहा है? तुम्हें? आप मेरी फूफी के लड़के हैं, जो मेरे सारे कजनों को जानते हैं। आपको नहीं पता, मेरा पुत्र वकील जानता होगा। नबील? हाँ मेरा पुत्र नबील उस वकील को जानता होगा। ओहो नबील, नबील। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इस उम्र में? जरा सुनो सुनो तुम्हारी माँ क्या कह रही है। क्या कह रही है माँ जी? पुत्र वो मेरा कजन आ रहा है अमेरिका से। आपका कजन और अमेरिका से? अरे मैं भी तो इसको यही कह रहा हूँ कि तुम्हारा कौन सा कजन अमेरिका से आ रहा है। हाँ माँ जी, हमारे रिश्तेदार कोट अद्दू में रहते हैं, टोबटेक सिंह में रहते हैं, कुछ फैसलाबाद में रहते हैं, ये कौन सा कजन है जो अमेरिका से ही आ रहा है? पुत्र तू नहीं जानता, तू बहुत ही छोटा था जब मेरा वो कजन हुआ था ना। हाँ माँ जी, आपको किसने कहा है कि आपका कजन आ रहा है? और पुत्र वो फोन आया था। आपके कजन का? नहीं नहीं, तेरी बीवी के उसका। किसका? वो जो तेरी बीवी की माँ का वो है ना उसका। ओ माँ जी खुदा का वास्ता, मैं पहले ही बड़ी टेंशन में, मुझे और टेंशन ना दे। ये तुम्हें किस चीज की टेंशन है नबील? यार महमूद साहब, मुझे खूबसूरत ने ना नई टी शर्ट खरीदने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया यार। नबील, आया यार। जा भाई जा। क्या हुआ जानू? ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? मोहल्ले वालों ने कोई चोर पकड़ा है, उसकी कुट लग रही है। नबील मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, हमारे घर के बाहर ही उसकी कुट लग रही है। ओहो, बाहर लॉन में इतना शोर क्यों हो रहा है? अच्छा वो कुछ नहीं, वो माँ जी का कजन आ रहा है अमेरिका से। क्या? हाँ। कौन कजन? पता नहीं जानू, मैं नहीं जानता। माँ जी का कजन अमेरिका से आ रहा है और उसे तुम नहीं जानते? हाँ जानू, तुम्हें तो पता है मैं अपने रिश्तेदारों को कहाँ मुँह लगाता हूँ, होगा कोई। जो भी होगा नबील, इस घर में नहीं आ रहा वो। क्यों नहीं आएगा? ये घर है, कोई होटल नहीं है, जिसका दिल जाए मुंह उठा के चलाता है। खूबसूरत वो मेरी माँ का कजन है। हाँ तो उसे बोलो किसी होटल में जाकर रहे, मेरे पापा पे बोझ डालने की जरूरत नहीं है। पापा पहले ही तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के खर्चे से तंग आ चुके हैं। कैसी बातें कर रही हो जानू? कान खोल कर सुन लो नबील, इस घर में किसी का कोई कसर नहीं आ रहा। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम। आप सिग्नल नहीं आ रहे थे, आप क्यों, खैरियत, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, वो तुम्हारा कजन आ रहा है पेरिस से। कौन कजन? सलमान अंकल का बेटा बॉबी। ओ बॉबी आ रहा है? हाँ बेटा, एक दिन के लिए आ रहा है, कल सुबह उसकी फ्लाइट है दुबई के लिए। अच्छा। देखो खूबसूरत बेटा, उसका ख्याल रखना, तुमको पता है ना सलमान अंकल से मेरे ताल्लुकात कैसे हैं। डोंट वरी पापा, मैंने तुम्हारी सास को भी कहा था बेटा कि तुम्हें बता दे, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने नहीं बताया होगा। माँ जी तो कह रही थी उनका कोई कजन आ रहा है। अरे अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हें फोन कर लिया। हाँ आप फिक्र ना करें पापा, आपने एड्रेस बता दिया था ना उसको। ठीक है, ओके खुदा हाफिज़, डोंट वरी।
नबील माजी का नहीं, मेरा कजन पेरिस से आ रहा है। क्या? हाँ। खूबसूरत, अभी तुमने कहा था ना कि इस घर में किसी का कोई कजन नहीं आएगा। तो हाँ, ये घर है, कोई सराय नहीं है जिसका जब दिल चाहे मुंह उठा के आ जाए। परेशान आप नबील। ओके जानू, कब आ रहा है भाभी? थोड़ी देर में आ रहा है। अब सबको जाके बोल दो कि कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी उसके सामने। जानू जो आपका होगा। हाँ। ओ यार माँ जी, खूबसूरत का कजन आ रहा है पेरिस से। ओए, उसका भी कजन आ रहा है तो मेरा भी। ओ नहीं यार, एक ही बंदा आ रहा है। इसका मतलब है कि उसका और मेरा कजन एक ही है। ओए, तेरी बीवी तो मेरी रिश्तेदार निकली। ओफ माँ जी, खूबसूरत के पापा ने आपको फोन किया था ना? हाँ हाँ, उसी का तो फोन आया था। उसने बताया था कि मेरा कजन अमरीका से आ रहा है। ओ माँ जी, वो आपका कजन नहीं है, वो खूबसूरत का कजन है जो पेरिस से आ रहा है, आबिद सल्लू के पास से। हाँ, तो फिर मेरा कजन कब आएगा अमरीका से? अरे मोमो, तुम्हारा कोई कजन अमरीका में नहीं है। हाँ, तो फिर वो कहाँ से आ रहे है? ओ नबील, मेरे कजन के लिए कुछ बाजार से जरा खाने को ले आओ प्लीज। जानू, जो घर में है ना वही खिलाओ उसको। नहीं नहीं नबील, तुम मेरे कजन को नहीं जानते, बहुत सेंसिटिव है, घर के मसालों से उसका पेट खराब हो जाएगा। तुम ऐसा करो, चाइनीज ले आओ। जानू, चाइनीज यहाँ कहाँ से मिलेगी? नबील, चाइनीज खाना लेकर आओ। देखो खूबसूरत, तुम्हारा कजन आ रहा ना, जो भी लेके आना तुम खुद लेके आओ। नबील, अरे वो कौन सा पेरिस से मेरे लिए कुछ लेके आ रहा जो मैं उसके लिए कुछ लेके आऊँ? क्यों महमूद साहब, 100% असूली बात की है तुमने नबील। ठीक है, फिर मैं खुद जाकर ले आती हूँ। और खबरदार, किसी ने चाइनीज को हाथ भी लगाया। हाँ हाँ, हमें चाइनीज वैसे भी पसंद नहीं है। शाबाश है माँ जी, यार नबील ये तो कोई बात ना हुई। अरे तुम्हारी बीवी खूबसूरत मोमो के कजन के आने पे तो इतना शोर मचा रही थी, और अब अपने कजन के लिए खुद शॉपिंग करने चली गई है। लानत भेजें जी, मैं अपने कजन के लिए खुद आप शॉपिंग करूंगी। हाँ। ओ माँ जी, आपका कोई कजन नहीं आ रहा, वो खूबसूरत का ही कजन है। हाँ यार नबील, तुम कब तक इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, और हम कब तक इस तरह ज्यादतियां भुगतते रहेंगे, आखिर कब तक? आप फिक्र मत करें महमूद साहब, आने दे खूबसूरत को, मैं साफ साफ कह दूंगा उसे। क्या? यही कि इस दफा तुम्हारा कजन आ गया ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हारी पुप्पी, चचा, मामू, खालू कोई और आए, लेकिन कजन नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब मेरी मां जी का कजन नहीं आ सकता इस घर में, तो खूबसूरत का कजन भी नहीं आ सकता। ये हुई ना बात नबील, आने दो उसके कजन बॉबी को, उसे हम ऐसा मजा चखाएंगे, ऐसा मजा चखाएंगे कि आइंदा कभी आने का नाम भी नहीं लेगा। यस महमूद साहब, यस 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 यस। Oh my God, it's so hot. Oh, hello, auntie. Huh? Oh, you are so cutie. Cute? Oh, toh hai kaun Allah na khasta? Bobby. Main Bobby. Bobby. Oh, tu ek jagah khade hoke baat nahi kar sakta? Kar sakta hu. Bataye kis jagah khada hona hai? Ha? Khoobsurat se kahe na, Bobby aaya hai. Chup. यहाँ कोई खूबसूरत नहीं होता। होती? तू होती है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो होता हूँ ना। तो कहाँ होता है तू? मैं पेरिस में होता हूँ, I'm a fashion designer. हॉक फैशन डिजाइनर है तू? इतनी गर्मी में कोट पहन के आ गया लिहाफ जैसा, तुझे देख के तो मुझे भी गर्मी लग रही है। Oh my God, you are so funny. कौन है माँ जी? पुत्र पुत्र, ये बॉबी आई है। बॉबी का है? बॉबी का है? बॉबी का है? ये बॉबी है। ओए, ये किस किस्म का बॉबी है मारी? यस, मैं बॉबी हूँ, खूबसूरत का कजन। कौन खूबसूरत? अब मेरी कजन, जल्दी से उसको बुलाए ना। ओ भाई, तू क्या अपनी कजन हमारे पास रखवा के गया हुआ था? ओ, नहीं ना, वो यहाँ रहती है। ओ नहीं भाई, हमें तो खुद एक जमाना हो गया खूबसूरत लड़की देखे हुए, तुझे किसी ने गलत बताया। ओ माय गॉड, टैक्सी वाला मुझे गलत घर में उतार के चला गया। ये देखे, ये यहाँ का एड्रेस नहीं है? बिल्कुल नहीं, जाए यहाँ से। अब मैं कहाँ जाऊंगा? Okay, bye. See you tomorrow. I wanna go to toilet. I want AC. Oh, AC? Next door. Next door, huh? Excuse me. इस परदेसी मुल्क में मैं कहाँ जाऊंगा? Hurry, hurry, push, 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 push. Very rude. Oh my God, मैं कहाँ जाऊंगा? It's so been hot in here. Bobby, तुम? खूबसूरत, my darling. Thank you. तुम मुझे यहाँ मिल गई, वरना मैं तो रोने वाला था। क्यों? क्योंकि सिद्दीकी अंकल ने मुझे गलत एड्रेस दे दिया था। ओहो, लेकिन तुम तो सही जगह पहुँचे हो। क्या? हाँ, मैं यही रहती हूँ। तो फिर वो लोग मुझे क्यों कह रहे थे कि यहाँ कोई खूबसूरत नहीं रहती? ये तुमसे किसने बोला? अंदर एक बहुत मोटी सी आंटी थी और उनके छिछोरे से बेटे ने। वो आंटी मेरी सास है और उनका बेटा मेरा हस्बैंड है। क्या, तुमने इतने चीप इंसान से शादी क्यों की? ऐसी मजबूरी क्या थी? अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे साथ अंदर आओ, चलो लेट्स गो। नबील,
माँ जी कहाँ हैं आप लोग? क्या हुआ चंदू? आप अगर बोलो। माँ जी मेरा कजन घर पे आया और आप लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कौन कौन कजन जानू? ये बॉबी। अरे बॉबी तुम? हाँ मैं। सॉरी जानू, एक्चुअली हमने इसे पहचाना नहीं था। हाँ पुत्र, तेरे खानदान में पहले ऐसी कोई चीज देखी नहीं ना, इस वजह से। सॉरी बॉबी। Come on, darling. No problem. अरे बॉबी मेरी जान, ये कौन है? सुसर है मेरे। अरे अंकल जी, come on. तू मेरे मियाँ की पपियाँ क्यों ले रहा है? अब ये मेरा स्टाइल है आंटी। माँ जी पेरिस से आया है अभी भाभी। तो पेरिस में क्या ये लोगों को पपियाँ करता फिरता है? नहीं माँ जी, ये वहाँ बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर है, कपड़े बनाता है। उधर लोग कपड़े पहनते ही कहाँ हैं? माँ जी। ओह स्वीट, शी सो फनी। ओह माय गॉड, खूबसूरत, तुम्हारे इन-लॉज को तो बिल्कुल ही कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। अब माँ जी मेरे ख्याल से आपको मैक्सी पहननी चाहिए, मैक्सी में ना आप बहुत हॉट लगेंगी। अंकल आपको तो टी शर्ट पहननी चाहिए, उसके साथ शॉर्ट्स पहननी चाहिए, यू विल लुक नाइस। भाई मुझे तो जो ला के दे दो कि मैं पहन लूंगा। What? अच्छा बाकी बातें बाद में करेंगे ना बॉबी, तुम चल के ना फ्रेशन अप हो जाओ। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखाऊं तुम्हारा। ऑलराइट। जानू कहाँ लेके जा रही हो इसे? नबील बॉबी हमारे कमरे में रहेगा ना। क्या मतलब? हाँ लेट्स गो। चल प्लीज मुझे बता दो वहाँ कोई मच्छर और कॉकरोचेस तो नहीं? नहीं नहीं, अकेले हो गए तुम? अकेले? एक्सक्यूज मी, यू एक्सक्यूज्ड। ये तो झाड़ चूहा टाइप को चीज लग रही है मुझे। कौन सा चूहा? झाड़ चूहा नहीं, खार पुष्ट चूहा। यार ये क्या अजीबोगरीब किस्म की चीज है नबील। महमूद साहब खबरदार जो मेरी माँ के बारे में कोई बात की। अरे मैं उस बॉबी के बारे में कह रहा हूँ यार। मेरा मुंह मत खुलवाए महमूद साहब, मैं पहले ही तंग हूँ। खूबसूरत ने मेरा कमरा उसे रहने के लिए दे दिया। ये तुम्हारा कसूर है नबील, तुमने खूबसूरत को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। बेशर्म कहीं की, अजीब औरत नुमा मर्द बुला के घर में उसने बिठा लिया है, तो यहाँ जवान जहान बच्चे भी है, माहौल खराब हो रहा है घर का। माँ जी मुझे तो ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है उस बॉबी पर। अरे तो मुझे कौन सा प्यार आ रहा है उस बॉबी पे? पुत्र कुछ भी कर, उस खलाई मखलूक को घर से बाहर निकाल। वो कैसे निकालूं माँ जी? अरे बॉबी बताओ तो हुआ क्या है? वो बाथरूम में ना उधर टोनी मर गया। ओहो माँ जी मरा नहीं है, बेहोश हुआ है। बॉबी बॉबी आंखें खोलो ना। यार नबील ये बब्बी तो बहुत ही लूसी निकला है। हाँ यार मैं हूँ साहब, लाल बेग से डर के बेहोश हो गया। हालांकि इसकी अपनी जाती शक्ल जो है ना कॉकरोच जैसी है। नबील प्लीज तुम लोग तो चुप करो यार, बेचारे बॉबी को बचपन से फिट्स पड़ते हैं। इस बेचारे को कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स और ऐसे जानवरों से बहुत डर लगता है, ये तो बेचारा रह ही नहीं सकता जहाँ ऐसी चीजें हो। अच्छा? हाँ ना, देखो बेचारा खौफ से नीला पड़ गया है। ओए खौफ से नहीं पड़ा पुत्र, इसने मेकअप ही ऐसा किया हुआ है। बॉबी प्लीज उठ जाओ यार, प्लीज बॉबी। मैं नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ बहुत कॉकरोचेस हैं। I wanna go back to Paris, please. जानू मैं इसके लिए टैक्सी ले आऊँ? Shut up नबील, बॉबी डोंट वरी, मैंने बाथरूम में स्प्रे करा दिया, अब कुछ नहीं होगा। No, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। माँ जी जरा जाए जल्दी से फ्रेश जूस बना कर लाए बॉबी के लिए। और मैं क्यों जाऊँ, जा खुद बना। माँ जी जाए ना, बॉबी के लिए फ्रेश जूस लेके आए। महमूद साहब आप भी जरा मेरे साथ आए। वो जो तुम्हारे साथ आना है वो जरा है। हाँ जी। अच्छा जी, आओ जी आओ जी आओ जी। वो भी कौन है? स्टॉप इट, सेल्फिश। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तंग कर रहे हैं तुम्हें बॉबी, चलो पानी पियो। हाँ नबील बोलो। महमूद साहब बॉबी के बच्चे को यहाँ से निकालने का आइडिया आ गया। अरे हमने बॉबी को निकालना है, उसके बच्चे को नहीं। अरे वही यार। अरे कैसे निकालोगे? तुमने देखा नहीं है खूबसूरत उसके लिए तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर रही है टका टका के? इसीलिए मैं मूसा उसे निकालना बहुत जरूरी हो गया। अरे लेकिन नबील निकालोगे कैसे? ये साला बॉबी कीड़े मकोड़े ऐसी चीजों से डरता है ना। हाँ तो मेरे पास महमूद साहब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम उसे डरा सकते हैं। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीजें हैं नबील? अब वैसे तो महमूद साहब आपका मुंह भी है। हाँ अगर आपका मुंह ज्यादा करीब से दिखा दिया ना उसे तो वो मर भी सकता है, इसलिए ज्यादा बेहतर
जरिए है कि किसी और चीज से डरा देते हैं उसे। किस चीज से? छिपकली से। छिपकली से? अरे मैमूसा, मेरी अलमारी के दराज में बहुत सारी छिपकलियां हैं। अरे तुमने अलमारी के दराज में छिपकलियां पाली हुई हैं? कितने खलीस और गंदे हो तुम नबील। ओहो मैमूसा, क्या हो गया आपको? असली नहीं है, नकली है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम बॉबी के खाने पीने की किसी भी चीज में वो नकली छिपकली डाल देते हैं। वेरी गुड नबील, जाओ फिर जल्दी से छिपकली लेके आओ। आप खाएंगे? हैं? हाँ जी, बॉबी के लिए जूस तैयार है। बेहया, हया नहीं है तुझे? अपनी माँ से अपने बीवी के रिश्तेदारों की खिदमतें कराता है तुम। ओ माँ जी, बॉबी को यहाँ से निकालने के लिए ये बहुत जरूरी था। और उसने कौन सा मेरे हाथ का जूस पी के इधर से दौड़ लगा देनी है। अरे मोमो, नबील के पास बाकी कैसी चीज है जिसे देखकर बॉबी ने दौड़ लगा जानी है? हाँ माँ जी, मैं आपको वो चीज दे रहा हूँ, आपने बॉबी के ग्लास में वो डाल देनी है। ला पुतन, जल्दी दिखाओ। ये निकालो निकालो। ये ले माँ जी। तुम फिक्र ना करो, मैं नबील से कहती हूँ पूरे घर की फ्यूमिगेशन करवा दे और लॉन की भी सफाई करा दे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बॉबी बेटा, ये लो डब्बे का फ्रेश जूस। हाँ, जूस पियो। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। इतना भी स्वीट नहीं। अब नबील, बॉबी कह रहा है कि लॉन में अक्सर चूहे वगैरह आ जाते हैं ना, तो लॉन की सफाई करवा दो वरना बॉबी नहीं सो पाएगा। जानो, तुम फिक्र मत करो, ये जूस पीते ही बॉबी सुकून से सो जाएगा। बॉबी बेटा, जूस पियो 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 पियो। छियो छियो। बॉबी को क्या हो गया? जानू, मुझे लग रहा है छिपकली ने बॉबी को डस लिया है। What? अब क्या होगा? जानू, अब कुछ नहीं हो सकता। छिपकली के कांटे का इलाज सिर्फ और सिर्फ पेरिस में होता है। Oh God! बॉबी, बॉबी, बॉबी! नबील, नबील, इसको तो सांस नहीं आ रही यार। क्या? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। हाँ जानू, कर दो। बॉबी, भाई इनकी हालत तो बहुत खराब है, बल्कि बहुत ज्यादा ही खराब है। मुझे तो लग रहा है इनको कोई जबरदस्त शौक हुआ है। मेरा ख्याल है फौरन इनको पेरिस लेके जाना चाहिए। नहीं भाई नहीं, ऐसी हालत में तो ये हिल भी नहीं सकते। तकरीबन 15-20 दिन बेडरेस्ट होना चाहिए इनका। क्या? हाँ, और आप सब लोगों ने इनका ख्याल रखना है। क्या? सुन लिया? सुन लिया, सुन लिया। पानी जल्दी लेके आओ। पानी जूस। भाई अब तो ये बिल्कुल मर चुके हैं, अब आप इनको जहाँ भी ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।